वेलकम बैक टू द चैनल अगेन गाइस। तो गाइस आज का वर्कआउट हमारा होने वाला है बैक के ऊपर, अपनी वी टेपर बैक कैसे बनाएं घर के ऊपर। और बैक में सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको मैं बता दूं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखो आप, ये पुल अप बार देख रहे हो, ये जिस जिसके घर पर है ना ये उसकी बॉडी आपको बनी हुई मिलेगी, बता रहा हूँ। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है बैक के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए। तो सबसे पहले आप अपना एक सेटअप डाल लो। मैंने देखो एक लकड़ी यहाँ लगा रखी है, एक यहाँ पर ऊपर ये पाइप लगा के अपना पुल अप बार बना रखा है घर पर। तो मैं यहीं पर एक्सरसाइज करता हूँ घर पर ही। तो अब आपको दिखाता हूँ आप क्या कौन कौन से वर्कआउट कर सकते हो घर पे और आप क्या क्या मिस्टेक करते हो वर्कआउट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे सबसे पहले आप जो पुलअप लगाने लगाते टाइम जो लोग मिस्टेक करते, खासकर बिगिनर जो मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो बहुत चौड़ा पकड़ लेंगे ऐसे और लगेगी नहीं फिर ऐसे। ऐसे नहीं करना है आपको। अब आपको दिखाता हूँ परफेक्ट फॉर्म क्या होती है पुलअप की। सबसे पहले आपको अब शोल्डर से बस थोड़ा सा वाइड पकड़ना है इसको, और चेस्ट अप और एंड देन ऊपर ये। अब बहुत से भाई क्या करते हैं ऐसे क्लोज पकड़ लेंगे ऐसे, ये नहीं करना शोल्डर की सुध में ये पूरा ऊपर और पूरा नीचे से। बस सेकेंड वर्कआउट में आपको वेंट लेनी है दो, और नीचे बैंड होना है और ये करना है, ये मत करना बताता हूँ, इससे आपको कुछ बैक में फील नहीं होगा। मैंने खुद को खुद ने करके ट्राई कर रखा है। अब आपको 5 साल के बच्चे तो हो नहीं जो ईंट भी आपको 10 किलो के बराबर लगेगी, इसलिए आपको मैं सही तरीके बताता हूँ। इससे अच्छा आप ना 2 बाल्टी ले सकते हो और उसके अंदर कुछ भी वेट वेट रख लो, मतलब आराम से आप जितना उठा सकते हो उतना वेट रख लो और आराम से यही चीज़ सेम चीज़ पूरा बैग के अंदर फील करके। और यही आप सिंगल लैंड भी कर सकते हो सपोर्ट लेके, यही सेम चीज। और मैं बोलते रहना थोड़ा बहुत थक लाता हूँ वीडियो के अंदर, मेरी आदत है तो उसको थोड़ा मतलब क्या क्या बोलते हैं उसका यार, ध्यान मत देना आपको वही वो जिसने बोला वो छोड़ देना। तो वैसे आप अपन करेंगे अपने ट्रेप्स के लिए वर्कआउट। जब आपके ट्रेप्स अच्छे होते हैं तो आपकी बैक के अंदर एक मस्कुलर लुक आता है ट्रेप्स से, क्योंकि आपकी मिडिल बैक तक पूरा आपका ट्रेप्स ही होता है। तो ट्रेप्स के लिए अपन करेंगे वही बाल्टी, उसके अंदर हैवी वेट एंड देन। और मैं बताऊँ मेरी मानो तो गर्दन थोड़ा नीचे रखना है चिन को चेस्ट के पास, तो आपको अच्छा फील आएगा ट्रेप्स के अंदर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। और मेरे कोई वीडियो में कोई गलती करता हूँ तो माफ कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।